हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे 10:15। अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नीव अब भी सो करके उठा है। एक्चुअली आज बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में सोया ये। सुबह अचानक से 5:30 बजे इसकी नींद खुल गई। तो जनरली क्या होता है, जब ऐसे उठता है ना बहुत जल्दी, तो मैं और अंकल सोचते हैं हो गया उठ गया, अब तो क्या ही सोएगा, हम लोग भी उठ जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। आज मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ उसको सुलाने का, तो ऐ कर रहा था, मैंने हाथ में लिया और ऐसी नींद में ही मैं इसको लेकर के रूम में वॉक करने लगी एंड 10 मिनट में ये सो गया और मैंने ला करके इसको बेड पे रख लिया। और उसके बाद तब से जो ये सोया है नींद में, इसने एक बार फीड भी कर लिया और अभी 10 मिनट पहले जाकर के उठा है, तो मतलब लीजिए कुक आ गई। तो इतनी देर तक ये सो ही रहा था, तो आज इसलिए मैं चुपचाप इसके बाजू में बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी कि चलो ठीक है सो रहा है तो सोने देते हैं। अभी कुक आई है, पहले इसको समझा के आती हूँ क्या बनाना है, फिर आपसे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग नीवू, सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग। आज तुम सो गए थे पता है तुमको, सुबह उठ करके फिर सो गए। हाँ, जय श्री कृष्णा। इस रूम में ना एक मेजर चेंज किया मैंने, जो चेंज करने से ना रूम बहुत स्पेशियस हो गया और काम भी बड़ा आसान हो गया। वो ये है कि बेड हमने देखिए कोने में कर दिया, पिछले ब्लॉग में बताना रह गया था मेरा आपको। ये जो आप देख रहे हो ना टेबल, यहाँ से बेड शुरू होता था और ये टेबल था वो स्विच बोर्ड के नीचे। तो अभी क्या किया, एकदम कोने में करने से क्या हो गया, एक तो नींबू अगर उस साइड में है तो गिरने का थोड़ा सा डर कम है, इस दो साइड में हम लोग ना बहुत जल्दी वो लगा देंगे, बेडरेल लगा देंगे, वो है मेरे पास तो बहुत आराम हो जाएगा। उसके अलावा स्पेस कितना मिल गया आप देखो, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। अभी फ्लैट में ना अगर आपको 2 फीट भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत मैटर करता है, तो वो भी मिल गया। उसके अलावा ये जो नींबू का देख रहे हो आप, ये भी हो गया है मूवेबल, तो अब मैं इसको पार्क करने के लिए यहाँ पे कोने में लगा देती हूँ। तो क्या है कि अपना वॉशरूम जाना हो, कुछ भी जाना हो, वार्डरोब खोलना हो तो दिक्कत नहीं आती, टीवी तो वैसे भी देखने का मौका मिलता नहीं, तो यहाँ पे पार्क कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं इसको इधर लगा देती हूँ आजकल रात में इस कोने में। इसका क्या फ़ायदा हो गया, पहले ये उस कोने में था ना तो वहाँ एक दिक्कत आ रही थी, वो ये कि ये आप देख रहे हो ये जो रेलिंग दिया हुआ है ना, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है ताकि बच्चे गिरे ना, पर मेरा यहाँ पे जो स्पेस था ना ये इतना कट्टू स्पेस था कि मैं ये रेलिंग नहीं लगा सकती थी। इसको खोल करके हम लोग रखते थे ना तब जाके ये बेड से अटैच होता था, सोचिए मतलब ये रेलिंग रखने से कितना छोटा सा स्पेस और चाहिए तो रेलिंग लग जाएगी, उतनी भी जगह वहाँ पर नहीं थी। तो नींबू अब क्या कर रहा था ना, यहाँ से निकल के पैर बाहर करता था, कई बार बेड की तरफ में आता था तो डर लगता था, तो अभी क्या हो गया ये इस तरफ हो गया तो ये रेलिंग लग गई, तो और 2 महीने के लिए नींबू आराम से इसमें सोएगा और गिरने का डर में कम रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको अपग्रेड कर सकती हूँ, बड़ा भी ले सकती हूँ ये वाला कॉट, तो जगह बहुत है ना, तो एक बड़ा कॉट भी आ जाएगा इन केस लेना हो, तो सेफ्टी भी हो गई और इतना अच्छा ये चेंज मुझे लग रहा है ना। खाली एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, वो ये है इस स्विच बोर्ड के ऊपर एक कवर डालना पड़ेगा, क्योंकि नी वो तार है ना वो वाला इंटरकॉम का तार है, एक्चुअली वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है उसको खींच रहा है, फिर वहाँ पर वो भी उंगली डाल सकता है। यस नींबू, और ये देखो कितनी एक्स्ट्रा जगह लग रही है, पहले बेड यहीं से शुरू हो रहा था तो रूम भी छोटा लग रहा था, बेड अंदर की तरफ चला गया है तो यहाँ पे इतना स्पेस हो गया ना कि रूम की डेप्थ जो है अच्छी लग रही है। अच्छा, जब मैंने अंगद को ये चीज बताई ना तो पहला आंसर क्या आया, नो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये आपके साथ भी होता है कि आप हस्बैंड को कुछ भी शेयर करो, पहली उनकी आती नहीं नहीं ये ठीक आइडिया नहीं है। मैं इसी प्रोफेशन की हूँ, मैं लोगों का घर डिजाइन करती हूँ, मैंने ये वाला घर भी पूरा खुद से डिजाइन किया है। एक एक फीट की जो अहमियत है ये मुझे पता है कि कैसे यूटिलाइज करना है, तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो फिजिबल होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आएगा। पर ना, अंगद ने बोला नहीं नहीं दिक्कत होगी, ये ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा ट्राई करते हैं, नहीं जमेगा अगर तो वापस से चेंज कर देंगे, पर मुझे लग रहा है कि हमें जगह मिलेगी एक्स्ट्रा और हम फिर वापस से कॉट को भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ भी जगह मिल जाएगी तो हम मैट रख सकते हैं, नींबू खेलेगा, मान लीजिए कल एसी ऑन करना और गर्मी पड़ेगी तो इसी रूम में एसी है तो नीचे कॉट पे नीचे खेलेगा मैट पे, मैं भी वहीं बैठूंगी तो गिरने का भी डर नहीं रहेगा। हाँ, फाइनली जब उसने कर लिया, फिर भी तुरंत मुंह से निकलता नहीं है कि हाँ हाँ ना अच्छा आइडिया है, 2-3 बार मुझे बोलना पड़ा क्या लगता है ये काम कर रहा है ना, क्या लगता है ये बेटर आइडिया है ना, क्या लगता है स्पेस ज्यादा हो गया ना, फिर जाके निकला हाँ अच्छा ही लग रहा है। ये होता है कि साथ मुझे बताइएगा। चलिए लंच तो बन करके डन हो गया है, थोड़ा सा ना मैं अलग से पीले चावल बनवा लेती हूँ, तो क्या है ना 11 बजे के आसपास मुझे भूख लगती है, जबकि सुबह नाश्ता करती हूँ उसके बाद भी, तो अगर ये थोड़ा सा भी खा लो ना तो फिर अगर लंच 1-1.5 बजे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका अच्छा ढूंढा अंगद ने, नींबू रो रहा था तब से, अंगद उसको मिरर के पास ले जाके बोलता है देखो रोते हो तो कैसे लगते हो, देखो देखो अपनी शक्ल को देखो, और चुप ही हो गया नींबू, क्या हो गया, हम लोग को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, देखो कैसे रो रहे थे, कैसे लग रहे हो, कितने गंदे लग रहे हो रोते हुए, रोता हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, चुप ही हो गया, हंस रहा है, कितना रो रहा था नींबू, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया,
ये ट्रिक तो पापा का काम कर गया भाई। अब रुक के बताओ ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हंस रहा है देखो। हाँ अच्छा लग रहा है तुमको? शर्म आ गई ना खुद पे ही। देखो 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 कि मैं क्यों जिद कर रहा हूँ बेकार का, पापा मम्मी को तंग कर रहा हूँ। नहीं जिद करूंगा, अच्छा बच्चा बनूंगा। बताओ रुके, अब रुके बताओ। अब नहीं रोएगा भाई ये बच्चा। नीबू तुम तो अच्छा बेबी है ना? अच्छा बेबी है कि नहीं? गुड बेबी है हाँ? ने 2 बज गए और अब जाके मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और बैठने का मौका मिला। तो आज नीबू ने जिद पकड़ ली, उसे अंगद का लैपटॉप चाहिए। कीबोर्ड में लाइट चमक रहे थे, पता नहीं देखता तो कई बार होगा, आज उसका ध्यान चला गया। अब चाहिए ही चाहिए। तभी उसको अंगद जो है वो घुमा रहा था मिरर के पास जो खिला रहा था, क्योंकि वो रो रहा है वही चाहिए वही चाहिए। अब लैपटॉप कैसे दे दे, और ना भूलता नहीं है, आप कोई और खिलौना दे दो, बाहर घुमा दो, इधर कर दो उधर कर दो। तो बड़ी मुश्किल से संभाला। और अंगद की बैक टू बैक मीटिंग थी, तो एक क्रैंकी बच्चा जब आपके पास आता है उसके बाद आप 100 चीजें ट्राई करते हो, वो भूलता ही नहीं है। फिर जो परेशानी हुई है मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर खाना वाना खिलाया, फिर टाइम पास कराया, फिर आंटी आई मसाज वाली, फिर उसको नहलाया, फिर उसको नींद आ जाती है तो फटाफट फीड कराया, उसको सुलाया, खाना खाया और अब जाके बैठी हूँ और यहाँ पे रखा है कैमरा, तो यही चल रहा है। इसीलिए जो सोच रही थी कुछ जुगाड़ करूंगी ताकि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले, थोड़ा अपने लिए टाइम मिले, थोड़ा काम के लिए टाइम मिले, थोड़ा नीव को भी कुछ खिलाने वाला मिले, पर आपने देखा कि अभी क्या सब हो रहा है। खैर उस पर भी आएंगे इस वीडियो में नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने क्या सोचा है, क्या होने वाला है। फिलहाल मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ ना, ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचा था बात करूंगी, पर एक के बाद एक इतनी चीजें चल रही थी बैक टू बैक, आप देख रहे थे कि टाइम नहीं मिला। तो याद है मैंने वीडियो में जब शेयर किया था कि मैंने अपना काम रिज्यूम किया है और कैसे एक मदर को मैं मानती हूं कि अगर पॉसिबल हो पाए, अगर उनकी कैपेबिलिटी है तो उनको फाइनेंशियली हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करे घर पे, अपने पैरों पे खड़े रहे। बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक औरत के लिए। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे पर्सनल भी आए, इंस्टा पे भी आए कि कैसे उनको मोटिवेशनल लगा ये बात, कैसे वो ये सुनना चाह रहे थे, बहुत कुछ। तो मुझे एक मैसेज बड़ा ही अच्छा आया था, उसमें था कि शोना काम तो करना चाहते हैं और शायद करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ फैमिली सपोर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्पर रख लेंगे, कुछ तो फिगर आउट हो जाएगा। पर करने की ना एक तरफ इच्छा होती है 20%, तो 80% लगता है कि नहीं नहीं करूंगी, बेबी पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, फिर बेबी मुझे मिस करेगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। तो शोना आपके अंदर कहां से मोटिवेशन आ रही है कि मुझे काम तो करना ही है, चाहे जो हो जाए, पैसे कमाने जिंदगी में उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कहा चलो इस पे बात करना बहुत जरूरी है, शायद ये सुन करके 2-4 और लोगों को थोड़ा सा आत्मविश्वास आए, थोड़ा सा अंदर से इच्छा आए और वो कुछ करे अपने लिए। देखिए मेरे केस में ना मुझे 2 चीजें मोटिवेट करती आई है। पहला मोटिवेट करते आया है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए लाइफ में, वो ये है कि जब मैंने अपनी मदर को बहुत यंग एज में लूज किया ना, तो मैंने दुनिया का बहुत रंग देख लिया। 2 सालों में अनफॉर्चुनेट मैंने बहुत सारे रंग देख लिए और ये चीज मुझे तभी समझ में आ गई थी कि बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं अपने पैरों पे खड़े रहूं, अपने फैसले खुद लूं, अपना भला बुरा खुद सोचूं, और उसके लिए जरूरी है पैसे कमाना। जब तक आप पैसे नहीं कमाते हो, अनफॉर्चुनेटली आपका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, ना खुद के घर में, ना ससुराल में, ना दुनिया में कहीं। ये चीज तो सच्चाई है, इसको मानिए इसको मत मानिए। तो एक तो वहां पे ही समझ में आ गया था, ठीक है तब तो लगा पढ़ाई वढ़ाई कर ही रही हूँ तो पैसे तो कमा लेंगे। पर फिर लाइफ ने यू टर्न लिया और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही थी, शादी हो गई और अब तो शादी हो गई, अब क्या करें, अब पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो ठीक है कर लेंगे, पर पैसे कैसे कमाएंगे, क्या होगा, लॉ का कोर्स है, इसको तो लगना है 5 ईयर्स कंप्लीट होने में।
फिर मैंने और कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने भी मुझे हेल्प करी और मेरे लाइफ में वास्तु और इंटीरियर डिजाइन आया, जिसने मुझे एक साइड हसल दिया जिसको मैंने कॉलेज के साथ में बड़ी मेहनत से किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये बहुत आसानी से हो गया, मुझे कितनी मेहनत लगी है एक लॉ कोर्स करते हुए वास्तुशास्त्र जैसी बड़ी पढ़ाई को पढ़ना, समझना, उसके लिए रोज जाना, उसके बाद उस पर काम करना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, अलग अलग इंटीरियर डिजाइन कंपनी के पास जाकर के अपना कार्ड देना, अपने बारे में बताना, इससे करके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, और एक अपने लिए उस टाइम पे तो मेरे लिए साइड हसल था, आज मेन हसल है, पर तब तो कॉलेज था तो साइड हसल क्रिएट करना। और एक और चीज है वो ये है कि अगर आपके अंदर ये एक बार ये चीज आ गई ना कि आपको आपके पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प करना है, एकदम से 50-50 होकर चलना है लाइफ में, तो भी ना वो छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे याद है एक बार की बात है, एकदम इनिशियली जब मैंने थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट ही किया था और अंगद का लैपटॉप था ना वो कॉलेज वाला लैपटॉप था, तो लैपटॉप उसका खराब हो गया था और उसको चाहिए था नया लैपटॉप, पर उसकी जो कंपनी उस टाइम पे थी वो लैपटॉप नहीं देती थी, तो उसको चाहिए था कुछ कुछ काम के लिए पर उसके पास नहीं था। तो मैंने उसको एक बार बोला था कि क्या हुआ यार एक लैपटॉप ले लो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तो उसने कहा था नहीं यार लैपटॉप लेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, अभी तुमको घर घर का भी देखना है, कॉलेज का भी देखना है, तुम्हारा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत लगी थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड से को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी ना लाइफ में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी कि आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार क्योंकि ये लाइबिलिटी है, वो नहीं कर पाऊंगा वो लाइबिलिटी है, तो मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं लाना है। मुझे अपना खर्चा भी खुद निकालना है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, अपना शौक भी पूरा करना है ताकि मेरे पार्टनर को अपनी शौक या अपनी ज़रूरतों को मारना ना पड़े फॉर अ लॉन्गर रन, जिसमें कि सब कुछ इसीलिए वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे मुझे सपोर्ट करना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं कितना गिनवाऊँ आपको, मेरे दिमाग में बैठती गई। प्लस जो मैंने कोर्स किया है वो LLB लॉ का कोर्स है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो जाए, वुमेन के प्रति कितना कुछ क्राइम होता है, कैसे उनको सप्रेस किया जाता है, जब आप पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, केस स्टडी करते हो, मूट कोर्ट में केस लड़ते हो, बाहर देखते हो, जब मैंने फील्ड वर्क किया तभी भी मैंने देखा, कोर्ट में देखा लोगों को, तो बहुत कुछ समझ में आता है कि कितना जरूरी है पैसे कमाना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे मन कर गया ऐसे ही फेमिनिज्म के नाम पे, या बस बस पैसे तो कमाने ही, हस्बैंड को के आगे हाथ नहीं फैलाना, नहीं, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारी चीज साइकोलॉजिकली आप देखते हो एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप इस फैसले पे आते हो कि कोई भी चीज हो जाए मेरे साथ लाइफ में, कुछ भी हो जाए, मैं पैसे कमाऊंगी, पैरों पे खड़ी रहूंगी, अपनी जरूरतों को पूरी करूंगी। अभी जो मुझे देती है मोटिवेशन वो नींव एक, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों ही नींव के लिए सेव करते हैं। मैं जितना कमाती हूँ उसका भी एक्स अमाउंट जो है SIP में रहता है, मतलब वो खुद ब खुद पैसे कट जाते हैं महीने के 5 तारीख को। फिर अंगद भी कुछ अमाउंट डालता है, हम दोनों मिलकर नींव के लिए सेव कर रहे हैं, सिर्फ अंगद को नहीं करना है। और मेरा एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो मैं हमेशा सोचती हूँ, बोलती हूँ, इमेजिन करती हूँ, ये है कि इस घर का जो होम लोन है ना वो मुझे पूरा पे ऑफ करना है खुद से कमा करके। ये मेरा ड्रीम है, हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं, शायद अंगद अकेले भी कर पाएगा, पर मेरा ये ड्रीम है कि मैं इसको पे ऑफ करूं। तो एक मोटिवेशन भी आपको रखना होता है कि इसे ये एक चीज मुझे करनी है, तो आपको काम करने का मन करता है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं स्टार्ट करें ना करें, डाइसी हैं, तो सोचिए, समझिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे मैनेज होगा, फिर मैनेज भी आपको ही करना है क्योंकि ये वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो वो भी आपके अंदर है, वो भी आपको देखना है, काम भी देखना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जगल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं तो इतने में ही देख रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट हो रही है, पर वही है, लाइफ इजी कब रही है, मेरे लिए तो कभी नहीं रही है, तो मैं तो फिगर आउट कर लूंगी। एनीवेज चलिए, अभी नीचू की सो रहा है तो थोड़ी देर में अपना काम कर लेती हूँ, 1.5 घंटा, फिर क्या पता उठ जाए बीच में, शाम को मिलती हूँ। क्यों उठ गया नीबू, क्यों उठ गया, बहुत टाइम है, सो जाओ। ये बच्चा उठ चुका है 3:30 बजे ही। क्या हो गया, और नहीं सोना, और ना बहुत कचर पचर कर रहा था, तो मैं बार बार उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, उसके बाद अचानक से इसने अपना सर उठाया और जो विकेट स्माइल मुझे इसने दिया है कि मैं तो नाटक कर रहा था 5 मिनट से सोने का, मैं तो उठ चुका था और मैं सोच रही थी ठीक है बस बेचारा हिल रहा है, ऐसे ऐसे थप थपकी दूंगी सो जाएगा, पर ना ये तो खेल रहा था मम्मा के साथ, और नहीं सोना, उठना है, सोना नहीं है, और सो जाओ नहीं वो आधा घंटा सो जाओ, बहुत धूप है बाहर, बहुत गर्मी है, क्या करोगे बोलो। ये देखिए ठीक ठाक मैट भी यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा और जगह होता ना तो ये मैट पूरी तरीके से हो जाता, ऐसे बेड के नीचे भी मैंने डाला है, पर फिर भी ना ये दरवाज़ा ना थोड़ा ज़्यादा प्रोट्यूड होता है ना, नॉर्मल यहाँ तक देखिए आ रहा है मैट, पर ये मैंने ऊपर से दरवाज़ा लगाया है ना तो थोड़ा सा बाहर आता है, तो इस वजह से मैट फिक्स नहीं हो रहा है, बट चलेगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पर नींव आराम से खेल सकता है। हाँ नींव, अच्छा लग रहा है,
और अंगद की भी ऑफिस खत्म हो गया है तो अंगद आ रहा है रूम में, फिर हम लोग सब लोग बैठ के यहीं पे चाय पियेंगे, है दानिबो? हाँ, तो देखिए अच्छे से ये भी फिट आ गया, मैट भी फिट आ गया, तो सही लग रहा है मुझे। तुम्हें कैसा लग रहा है? और ये बच्चा इतना बदमाशी कर रहा था, इतना बदमाशी कर रहा था, बता सबको क्या कर रहा था, किसे जिद कर रहा था, बताओ बताओ। अरे ये कौन है नीवो, ये कौन है, ये कौन है, ये टेडी बेयर है। आ गए पापा, आ गए। हेलो हेलो, बदमाशी कर रहा था नीवू, बताओ। 5 बजने को जा रहा है, ओहो हो, पर बाहर का जो टेम्परेचर है मैं क्या बोलूं, धूप की जो हालत है ना, ऐसा लग रहा है दोपहर के 1:30 या 2 बजे होंगे, इतनी कड़कती भड़कती धूप है। नीबू अपने आप को मिरर में देख रहा है यहाँ सामने से और कोशिश कर रहा है कि वहाँ तक जाए। जाओ ट्राई करो नीबू, आगे 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 जा करके वो मिरर तक जाना है, ट्राई करो। पीछे नहीं जाना है, वो रिवर्स चला जाता है, अभी वो यहाँ से वहाँ रिवर्स पे गया, तो पहले शायद कुछ बच्चे ना रिवर्स में ही क्रॉल करने लगते हैं। नीबू आगे आना है, इधर आना है, मम्मा पास आना है, आ जाओ पीछे मत घुसो, दिक्कत होगा निकालने में तुमको बहुत। आगे आगे आगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट, आ जाओ नीबू। राइट टाइम जो है नई जगह पे इस रूम में मैट पे होगा। नीबू हम लोग चाय पी रहे हैं, एंजॉय योर टाइम। कहाँ घुस के बैठे हो, मैंने ना इसका भी एक पिक्चर भी क्लिक किया, बड़ा क्यूट लग रहा था अंदर घुस के बैठा हुआ। कितने टाइम से अंगद को बोल रही हो, अंगद अपना बियर्ड जो है वो ट्रिम कर लो, शेव तो वो करता नहीं, ट्रिम करता है, टाल रहा था। फिर वीकेंड को करने का सोचा तो तबियत खराब हो गई। अभी इतना हो गया कि अगर नीव को गोदी में उठाता है ना तो चुप जाता है उसका बियर्ड, इसको तो रोने लग जाता है। तो अभी खुद ही बोल रहा सामने से, मैं काम करता हूँ घर पे करने में बोर मार रहा है। सामने ही ना हमारी बिल्डिंग के एकदम ऑपोजिट साइड में ही एक अच्छा सा डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुला है, सब कुछ नहीं मिलता पर कुछ कुछ मिलता है, और वहीं पे एक खुल गया है ये लड़कों का सलून भी। तो बोला मैं जाके करवा के आता हूँ, जैसे उसने ये बोला मैंने कहा जाओ अभी जाओ फटाफट जाओ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे अंगद कि जब पापा से शेव करके आते हैं ना तो बच्चे डर जाते हैं। देखती हूँ नीवू का रिएक्शन क्या है। नीवू हाय हाय। अरे कोई रिएक्शन ही नहीं है, इन एंड आउट जानता है वो। नीवू कौन है? हाय पापा है। अरे नीवू को तो कोई डर नहीं है भाई, कोई डर नहीं है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अपने हाल इंसान जैसा। उसके पहले भी इंसान ही था। चलिए नीव तो सो गया और साथ में अंगद भी सो गया, तो अंगद की हैबिट है कि वो कभी भी कहीं भी सो सकता है। ये ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिली है, ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग होता है कि आप आराम से सो जाओ। तो वो आया ना अपना बियर्ड वगैरह बनवा करके, फिर नहाया तो सो गया। चलिए 1 घंटा दोनों सो गए तो मुझे मिली है थोड़ी सी शांति, और मैं आगे बाहर बैठी हूँ तो देख रही हूँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश वारिश होगी ऐसा कुछ नहीं, पर हवा बड़ी अच्छी चल रही है, घर से फार बेटर टेम्परेचर बाहर का है। तो सोच रही हूँ यहाँ पर बैठूँ और थोड़ा सा ना कॉफ़ी बनाऊँ और कॉफ़ी बना करके पीऊँ, तो दिन में से ये थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल जाएगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, वरना तो एक के बाद कुछ ना कुछ लगा हुआ ही था। खैर चलिए एनीवेज आज का मेरा जो ब्लॉग है वो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल पे, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।